तस्वीरों में नजर आ रहे हैं ये भोपाल के कार्तिक श्रीवास्तव है। कार्तिक मध्य प्रदेश के उन हजारों युवाओं में से एक है जिन्हें सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने के बजाय पंख देना चुना है। सरकार ने ऐसे युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत युवाओं को ट्रेनिंग देने के साथ हर महीने 8 से 10 हजार तक का स्टाइपेंड दिया जा रहा है। कार्तिक श्रीवास्तव मेरे बारे में, मेरी MBA की पढ़ाई चल रही है, अभी फर्स्ट ईयर है और जॉब है अपनी डायमंड में जाता हूँ मैं, पार्ट टाइम जॉब है नाइट में और सुबह कॉलेज। उसका प्रोसेस यह था कि मुख्यमंत्री जी की योजना आई थी, हमने देखा, मैंने उसका एड देखा था, तो मैंने सोचा जॉब करना ही है पार्ट टाइम मुझे, तो इसमें क्यों अप्लाई करूँ। इसमें अप्लाई कर दिया मैंने और मुझे डायमंड कंपनी सेलेक्ट कर लिया बस, और वही प्रोसेस थी। हाँ, अप्लाई किया, उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया, इंटरव्यू मेरा क्लियर हो गया था। उस इंटरव्यू के 2-3 दिन बाद में ज्वाइनिंग मिल गई थी। इंटरव्यू से पूछा गया था आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी ग्रेजुएशन पढ़ाई के बारे में पूछा गया था और उन्होंने बताया था कि क्या आपको करना है, सिखाएंगे हम आपको उस बेसिस पर, बस यही बताया था। अभी मुझे डायमंड कट करना सिखा रहे हैं, डायमंड कैसा मैन्युफैक्चर होता है वो सिखाते हैं, डायमंड की मार्किंग करते हैं ना वो सिखाते हैं। मतलब स्टाइपेंड 8,000 रुपये मिलेंगे, 6,000 रुपये मुख्यमंत्री जी देंगे और 25%, यानी कि 8,000 का 25% 2,000 होता है, 2,000 कंपनी देगी तो 8,000 मिलेगा टोटल। युवाओं के लिए अगर बात करो तो अच्छा ही देखते हैं, जो बेरोजगार हैं, जो जिनकी ग्रेजुएशन के बाद भी किसी जॉब नहीं लग रही है, किसी की जॉब नहीं लग रही, तो इस योजना में मिली आपको हो जाएगा आपको सिलेक्शन। मेरे लिए घर बैठने से अच्छा ही है, कुछ कर तो रहे हैं। सरकार ने इस योजना से सर्विस सेक्टर और कंपनियों को जोड़ा है। सरकार ने युवाओं को 46 सेक्टरों के 800 कोर्सेज में दक्ष करने का लक्ष्य रखा है। बेरोजगारी खत्म करने के लिए युवाओं को स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। अपने बेरोजगार बेटा बेटियों के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, सीखो और कमाओ, लर्न एंड अर्न अगर अंग्रेजी में कहें, इस योजना के अंतर्गत 12वीं पास, जिन्हें ITI किया है वो बच्चे, जिन्हें ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो सारे के सारे इस योजना के लिए पात्र होंगे काम सिखाने के लिए। ये अलग अलग जो, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, बड़े उद्योग हों, MSME उद्योग हों या सर्विस सेक्टर हो, उसके 700 काम अलग अलग सिखाए जाएंगे, लेकिन काम सीखने के बदले हम बच्चों को पैसा देंगे और DBT के माध्यम से ये पैसा उनके खातों में जाएगा। बच्चे काम सीखेंगे तो जो बच्चे 12वीं पास हैं उन्हें 8,000 रुपया महीना, जो बच्चे ITI उत्तीर्ण हैं उनको 8,500 रुपया महीना, जिन्होंने डिप्लोमा किया है उनको 9,000 रुपया और इससे अधिक ऊंची डिग्री धारी वाले बच्चों को 10,000 रुपया प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जाएगा। और बाद में काम सीखकर हमारे ये बच्चे अपना परमानेंट रोजगार या तो वहीं पा जाएंगे या अपना उद्यम खड़ा करेंगे। चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, पंख देती है ताकि वो प्रगति और विकास की लंबी उड़ान उड़ सके, और इसलिए बेरोजगारी भत्ता बेमानी है। उनको काम सिखाएं, उसके बदले में पैसा दें ताकि परमानेंट जॉब की व्यवस्था उनके लिए हो जाए। इस योजना का लाभ लेने के लिए युवाओं का मध्य प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास है। इंजीनियरिंग सेक्टर में काम करने के लिए ITI की डिग्री या फिर किसी भी कोर्स में डिग्री होनी चाहिए। योजना के तहत 16,000 से ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड है, जिसमें टोटल पदों की संख्या 70,000 से ज्यादा है। विलास नागदौने, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट डिविजनल ITI गोविंदपुरा भोपाल। माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक बहुत ही अभिनव योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। ये एक योजना, ऐसी योजना है जिसमें दो कंपोनेंट सीधे सीधे तरीके से लाभान्वित हो सकते हैं। एक इंडस्ट्री
ऐसी इंडस्ट्री जो छोटी इंडस्ट्री है या बड़ी इंडस्ट्री है जिसको मैन पावर चाहिए लेकिन कौशल युक्त मैन पावर उसको उपलब्ध नहीं हो पाता। दूसरा, कैंडिडेट जिसके पास सर्टिफिकेशन है, कौशल है, डिग्री है लेकिन किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को जब कोई इंडस्ट्री काम के लिए रखती है तो कहती है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं तो जॉब नहीं। तो ये जो स्कीम है ये दोनों को बेसिकली आपस में लिंक कराने के लिए आएगी, जिसमें एक कैंडिडेट जिसके पास कोई एक्सपीरियंस है और दूसरा एक इंडस्ट्री जिसको एक्सपीरियंस कैंडिडेट की आवश्यकता है। तो बेसिकली हमारा एक प्लेटफॉर्म है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना mmsky.mp.gov.in। इसमें स्टूडेंट को ऐसे लाभ, डायरेक्टली जो लाभ है वो है 8,000 से 10,000 रुपया तक की स्टाइपेंड उसको मुहैया होगी और काम करने के अवसर प्राप्त होंगे जिस काम में उसने सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। इसमें लगभग सारे सेक्टर्स कवर किए गए हैं, 46 नंबर ऑफ सेक्टर्स है, 40 अलग अलग सेक्टर है और उन 40 सेक्टर्स में जो कोर्सेज की संख्या है वो 800 प्लस है, सभी के लिए है। अच्छा, इसमें जो छात्रों की योग्यता है वो मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, उसके पास समग्र आईडी होना चाहिए और उसकी उम्र 18 से 29 वर्ष की होनी चाहिए और उसकी क्वालिफिकेशन 12वीं आईटीआई डिप्लोमा डिग्री या किसी प्रकार का ग्रेजुएशन होना चाहिए। वर्तमान में जो हमारे पोर्टल पर डेटा है उसमें 16,892 इंडस्ट्रीज अभी तक रजिस्टर्ड हो चुकी है। प्रकाशित पदों की जो संख्या है वो 70,378 है और टोटल अभ्यर्थी जिन्होंने इस पर आवेदन किया है उनकी संख्या 8,00,000 लगभग है। एक महीने की ट्रेनिंग के बाद युवाओं को राज्य शासन की ओर से स्टाइपेंड दिया जाएगा। प्रत्येक युवा को राज्य शासन की ओर से 1,00,000 रुपए तक स्टाइपेंड दिया जाएगा। सीखो कमाओ योजना का लक्ष्य प्रतिवर्ष 1,00,000 युवाओं को ट्रेनिंग देना और योजना का लाभ देना है।